सीरीज जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बरसात, कोहली, रोहित व जडेजा भी हुए मालामाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीरीज जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों पर कितने पैसों की बरसात हुई, सभी खिलाड़ियों को कितना पैसा मिला। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की सीरीज जीत से खुश हैं तो टीम इंडिया के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 1000 लाइक का। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, टीम इंडिया को जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीत दिया। इस जीत के साथ भारत ने यह वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। इस जीत के साथ भारत ने अपनी सरजमी पर कुल 200वीं जीत दर्ज की। ऐसा करने वाली भारत दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 286 रन बनाए, जिसमें स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 131 रन की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा लबु सेन ने 54 रनों की पारी खेली, जिससे भारत को हमें जीतने के लिए 287 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 47.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 119 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा कप्तान कोहली ने 89 रनों का योगदान दिया। इसके बाद अंत में श्रेयस अय्यर ने नाबाद 44 रन बनाकर भारत को यह मैच जिता दिया। इस तरह भारत ने तीसरा मैच 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने यह वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। वहीं 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद कई भारतीय खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई। आइए जानते हैं किसे कौन सा अवार्ड मिला और कितने रुपए मिले। रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। दोस्तों, इस मैच में 128 गेंदों में 119 रनों की शतकीय पारी खेलने के लिए रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसके तहत उन्हें 1,00,000 रुपए की धनराशि दी गई। वहीं ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच बने रविंद्र जडेजा। दोस्तों, इस मैच में एक ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने के लिए रविंद्र जडेजा को ड्रीम 11 गेम चेंजर मैच चुना गया, जिसके तहत उन्हें भी 1,00,000 रुपए की धनराशि मिली। इसके अलावा कोहली और रोहित की जोड़ी बनी अंबुजा अटूट जोड़ी। दोस्तों, इस मैच में दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करने के लिए रोहित और कोहली की जोड़ी को अंबुजा अटूट जोड़ी का अवार्ड दिया गया, जिसके तहत दोनों को 1,00,000 रुपए की धनराशि मिली। वहीं कोहली बने मैन ऑफ द सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में 2 मैच विनिंग अर्धशतकीय पारी खेलने के लिए कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जिसके तहत उन्हें 2,50,000 रुपए की बड़ी धनराशि मिली। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी खिलाड़ियों को मिली इस धनराशि के संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।